एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते एक न्यू ब्लॉग में। और देखिए आज कोहरा कोहरा है आप सारा इस तरह से। और यहाँ की शुरुआत हम करते हैं इस चाय से। कितना अच्छा मौसम है, देखना कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। और अभी लोग उठे भी नहीं हैं, तैयार हो रहे हैं और मैं चाय पी रही हूँ। ठंडी हो चुकी है चाय, बहुत देर की थी, तन्नू ठंडी हो गई। गाइस ठंडी होगी चाय, और मेरी चाय ठंडी होगी तो फिर हमने और चाय मंगाई अपने लिए। आए गाइस देखियो हमारे साथ और भी मिले हैं। देखो ये हमारी दौरानी है हेमा, और देख लो ये भी दौरानी है। देखो इसको आपने देखा होगा रील्स में भी ना है। और ये हमारी बहुरानी है, और ये हमारे देवर जी हैं, और ये रात को लेट आए हैं, और इनकी वजह से हमें एक बेड पे चार चार सोना पड़ा है। और अब इनको अब क्या खाएंगे, सब मिलके खाएंगे आलू के पराठे दही और अचार के साथ में। ब्लॉग को स्किप ना करें, जारी रहे, आइए चलते हैं। गाइस देखिए अब हम तैयार हो गए, हम नाश्ता करने के लिए आ रहे हैं। आलू के पराठे और साथ में दही चाय जो मिलेगा आपको दिखाएंगे। देखिए ये हमारा आज का लुक है, आइए चलते हैं। जरा इतना सारा आटा है, ये हो गया है, ऐसे पराठे बेल के रख लेते हैं ये, और ये बनाएंगे। देखिए जरा कितनी देर लग जाती है पराठे बनाने में, सारा दिन पराठे। अम्मी आलू प्याज का पराठा, हाँ ये आलू प्याज के हैं, और ये साथ में दही मिलेगी और अचार मिलेगा। और ये डिब्बे रखे हुए इतने सारे दही के, ये उधर आलू भी रखे होंगे। अच्छा लो ना आइए पराठा खाएंगे, दही पराठा, अचार भी दिखाओ ना इनको, ये मिक्स अचार है ना। हाँ जी नमस्ते। और चाय और गाइस देखियो पराठा आ गया है, और आप भी टेस्ट करिए थोड़ा सा पराठा, ज़्यादा नहीं खाऊंगी तो मैं ही, केवल आप देखिए बहुत ही यमी यमी पराठा लगा। और देखो बना बनाया मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है, बनाना ना पड़े इससे बड़ी खुशी खुशी। और गाइस हम बाहर को आ गए क्योंकि हमें ना नाश्ते में चाय नहीं थी, दही और अचार था, तो काफ़ी देर वहाँ बैठने के बाद में बाहर घूमने के बाद बस आ गए, चाय भी पी। और देखना यहाँ आग जले हुए हैं, और देखिए यार ये की कर रही है, देखिए देखिए की कर रही है। देखिए कितनी ठंडी हो रही है, देखो मुंह में से आ रही है ना। हम यहीं फिर चाय पीने के लिए आए हैं, और ये भी चाय पीने के लिए आगे पीछे पीछे।
और हम लकड़ी का आपको दिखाएंगे। सर ने इंतजाम भी किया हुआ है लोगों ने, देखना लकड़ी का। देखना इस तरह से लोगों ने इंतजाम कर रखा, नहीं चाय वाले का एक अपने ताऊ जी होता है। ये तो बहुत बड़ी लकड़ी है, ये सही इंतजाम किया हुआ है इन्होंने। देखना इस तरह से लकड़ी लगाई हुई है और इस तरह से ये सेक रहे हैं। ठंड बहुत है, देखना बाहर को रहा है। अब चलो हम सेक कहीं और है, चाय कहीं और पी रहे हैं, आओ चलो चलते हैं। अभी बिस्कुट खा रही है, आ जाओ चाय हो गई है। ये दिल्ली साइड के ही हैं हमारे जी, लाओ हैं बाद में कही हमने। और गाइस जो ये कूलर पी के ना इसको जब ऐसे कूलर फोड़ा तो ये भी सब कूलर ऐसे ही फोड़ रहे हैं, देखा। और जिस धर्मशाला में हम रुके हुए थे ना उसमें ये मंदिर था जहाँ बाबा की चौकी हुई थी। आपने मतलब पिछले वाले कल का आपने मतलब ब्लॉग देखा होगा, उसमें ये मंदिर है, इसी के सामने बालाजी की चौकी हुई थी। और ये नेक्स्ट अगले दिन का ब्लॉग है, और देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है। यहाँ भी बहुत पारंपरिक तरीके से ही पूजा पाठ होती है, देखियो ये दीपक का है, या आरती होती है इस तरीके से, और यहाँ पाठ वगैरह भी करते हैं, पुजारी भी हैं यहाँ। अरे कायदे से दोनों टाइम पूजा की जाती है, लड्डू गोपाल जी भी हैं और सभी भगवान हैं, और ये अंजनी माता हैं। और देखिए और ये ग्रंथ भी रखा हुआ है, और ये पढ़ते होंगे, माइक भी लगा हुआ है। और सामने यहाँ हवन हो रहा है, सब सामग्री दे रहे हैं, लेकिन बहुत भीड़ हो रही है। तो फिर गाइस अब यहाँ से बालासर से हम चल दिए हैं, मेहंदीपुर बालाजी से चल दिए हैं, और अब जा रहे हैं हम काटू श्याम। और देखिए ये भी जा रहे हैं, बैठ चुके हैं और कुछ है, और ये बैठ आ रही। देखो देखो ये भी जा रही है ना, सामान लगा लिया है। देखिए अब हम जा रहे हैं काटू श्याम, काटू श्याम। और ये भाई साहब ने इंतजाम कर रहे हैं, तुम्हारे तो वाकई में पता नहीं कहाँ गए हैं, और हमारे रह गए सब आ गए। चलो पापा को फोन करो, जय श्री राम। देखिए जो आपने भजन सुने हैं ना वो इन्होंने गाए हैं, सबसे ज्यादा सुनने वाले थे वो यही थे। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, जय बाबा की। राधे राधे बोलो। और गाइस बस चल दी है, और बाहर का नज़ारा देखिए, कोहरा कोहरा है चारों तरफ को, और उसमें हरी हरी जो घास पे जो ओस लगी हुई है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। सुबह सुबह का दृश्य है, बहुत ही सुंदर अति मोहक लग रहा है। आपको भी दिखाया, क्योंकि वहाँ जाके ही बाहर जाके हम तो बहुत जागे, दिल्ली शहर में रह रहे हैं और दिल्ली के पास रह रहे हैं, तो यहाँ तो पोल्यूशन ही। अभी थोड़ी देर ही बैठे होंगे और के मूंगफलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, सबको मूंगफलियाँ देनी शुरू हो गई हैं, सब मूंगफली खाते रहें। भाई देखो टाइम पास है, मुंह चलता रहना चाहिए सबका। मैंने मूंगफली अपनी शॉल में ही ले ली थी और सबका मुँह चलने लगा। और देखिए ये जो जयपुरी पत्थर होता है उससे नक्काशी के यहाँ सब मिलते हैं, मंदिर मिलते हैं, और जो चारों तरफ जैसे कि बालकनी में लगाते हैं ना ग्रिल वगैरह, वो भी पत्थर की बनी हुई है। यहाँ पत्थर का काम बहुत ज़्यादा होता है,
और यहाँ देखिए पहाड़ भी आपको नज़र आएंगे और कितने सुंदर लग रहे हैं पहाड़। ये बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ये देखने लायक सीन था, तो इसलिए हमने आपको कैप्चर कर लिया। आप ये मत सोचना कि जो पहली वाली जो व्लॉग आया था वो वाला ये शूट है, नहीं नहीं, ये अलग से शूट किया गया है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं काटू श्याम और वो था हमारा दिल्ली से बालाजी वाला जो बाहर का सीन था। इसलिए कोई भी कमेंट ये ना करे कि वो ही वीडियो डाल दी है, ठीक है। अरे मेहनत कर रही हैं, जो भी न्यू आ रहे हैं ना चैनल पे, वो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके तो जाएं और बेल आइकन दबाएं, ऐसे ही आपको हम लाएंगे व्लॉग। और अभी तो व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, व्लॉग अभी है, अभी हम आगे जाके फिर कहीं स्टे करेंगे और मेरे व्लॉग को स्किप ना करें, आगे आपको बहुत अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा। और जो भी नहीं आ रहे हैं वो ज़रूर इस सीनरी को, इस व्यू को एंजॉय करें, देखें कितना सुंदर लग रहा है, पहाड़ के आगे पहाड़ और पहाड़ के पीछे पहाड़, कितना अच्छा लग रहा है व्यू दूर दूर तक, क्योंकि यहाँ तो इतना पोल्यूशन हो गया है कुछ नज़र ही नहीं आता है दिल्ली साइड में जो रहते हैं, और राजस्थान में तो खुला खुला और बिल्कुल फ्रेश एयर मिल रही थी। और हर गाइस देखिए अब यहाँ रुके हुए हैं, कितना अच्छा व्यू है देख पहाड़ की तरफ, और यहाँ चाय के लिए रुकी, ये थोड़ा सा हाईवे है, देखना जरा इस तरफ, और देखा ना इस तरह से ये पानी स्टोर करते हैं, देखिए पानी स्टोर करे हुए हैं उन्होंने, और ये जनरेटर वगैरह लगा हुआ है ये ऊपर तक, और ये बस में सामान निकाल रही है, और यहाँ हम चाय के लिए रुके हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और बैग, और देखिए देखना जरा ये है धतूरा, भैया हमारी चाय कहाँ रह गई? देखो सब लोग इन्होंने ले ली पहले चाय और हमको दी भी नहीं है इन्होंने, ये रखी ये आप ले दी ले लो, और देखना ये भी चाय पी रही है। और देखिए फिर कितना सुंदर व्यू आ गया है, आप इसको एंजॉय करें, मैं भी एंजॉय करी थी और मेरे साथ आप भी देख के व्लॉग में एंजॉय करें। दूर दूर से पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, और देखो यहाँ ये पेड़ लगे हुए हैं, और पेड़ तो ऐसे भी थे जिनके ऊपर एक भी पत्ता नहीं था, एक भी नहीं था, देखो यहाँ जाम लग गया है, ले लिया देखना जाम लग गया है, तो नीचे उतर के जाम खुलवा के आए हैं, और ये भी गई थी नीचे और इन्होंने सबको ही ठीक कर दिया जाम करवाने के लिए, एक लाइन कर दी ना, एक लाइन उधर से, एक लाइन अब ये कर दिया, देखो क्योंकि बीच में फंसा लेते हैं ना इस वजह से, अब जाम खुल गया है, और हम भी थक गए हैं गाइस सुबह से चलते चलते, और देखना जरा इस तरह से जाम लग रहा है, ये अब तो खुल गया है, देखा जब जाके खुला है, देखिए अब लाइन से यदि चलेंगी तो जाम खुल ही जाएगा।